नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर अपना, सर आपका नाम? नवीन शर्मा। अच्छा सर, यहाँ पे सत्य वेलफेयर एनजीओ में आकर के आपको कैसा लग रहा है? सर ये ऑर्गेनाइजेशन जो सत्या वेलफेयर है, एनजीओ है, वो काफ़ी टाइम से सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है, और इन्होंने जो आज बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए जो इन्होंने एग्ज़ाम रखा है, वो एक बच्चों के करियर बनाने के लिए एक आधारशिला का काम करेगा, क्योंकि रूरल एरिया में बच्चों को इस लेवल पे कंपटीशन के लिए मोटिवेशन नहीं मिल पाता जी। तो दैट इज़ ए गुड पॉइंट। ओके, सो आप अपनी कैसे सेवाएं दे रहे हैं सत्य वेलफेयर के अंदर? एक्चुअली मैं तो आज पहली बार सत्य वेलफेयर इनके प्रोग्राम में आया हूँ, तो आई होप कि ये एनजीओ बेटर करे, रूरल एरिया के लिए भी बेटर करे, तो बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो हम भी अपनी साइड से काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट और सेवाएं देंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक्स। एक दो बार वहाँ की व्यवस्था और देखेंगे भाई। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर आज की जो परीक्षाएं चल रही है, कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है जी, बहुत बढ़िया लगा मैंने ऐसा सोच करके, भी गांव में ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं। अच्छा, आप अपनी कैसे सेवाएं दे रहे हैं सर? सोशल वर्क है जी, बुला लिया हम आके, हम कुछ टाइम भी पास हो जाएगा, और इसके सहारे फिर हम अपना गौरव करते हैं कि इन्होंने बुलाया, हमें याद किया। ओके ओके ओके। तो आपके अकॉर्डिंग ये परीक्षा कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया चल रही है जी, बहुत बढ़िया सिस्टम है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जो आज की परीक्षा है वो कैसी चल रही है आपके अकॉर्डिंग? परीक्षा बहुत अच्छी चल रही है, इससे बच्चों जो युवा वर्ग है आजकल जो नौकरी का आवेदन हरियाणा सरकार वगैरह निकाल रही है, उसी के पैटर्न पर ये परीक्षा मनाई गई है, और इससे बच्चों को जो पहली बार आए हैं वो उनको ये पैटर्न का पता चलता है भाई क्या क्या आता है, और दूसरी बात इससे प्रोत्साहन मिलता है, खासकर गांव विशेष के स्तर पर सराउंडिंग के कुछ गांव हैं, तो इससे जो बच्चा विनर होता है हमें लगभग 10th जो आएगा 10th तक उसको इनाम की वो करी है, तो उसमें बच्चों को एक प्रोत्साहन मिलता है कि भाई हाँ मैं इस मेरी तैयारी ठीक है, और जो हमारा क्वेश्चन पेपर है वो इसे अकॉर्डिंग टू HSC पैटर्न नहीं बनाया गया है, और उसमें लगभग जो बच्चा लगभग 70 या 70 का करता है वो लगभग उसकी तैयारी अच्छी है, ये हमारे अनुसार है लगभग। तो यहाँ की जो कमेटी लगाओ, सत्य वेलफेयर एनजीओ के सदस्य लगाओ, तो इनको कैसे आपने डिवाइड किया हुआ है? जैसे HSSC SSC की जो परीक्षाएं देखते हैं हम, उनके अंदर जैसे टीचर्स होते हैं, फिर सुपरिटेंडेंट होते हैं, ऐसे मतलब यहाँ भी कोई व्यवस्था है कि ये टीचर्स को भी कोई चेक करने वाला है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, ऐसे हमने बिल्कुल करे हैं, जैसे रूम्स में ड्यूटी लगी हुई है उनको ऊपर जो कोऑर्डिनेटर हैं दो उनकी अलग से है, और उनके ऊपर भी एक सुपरवाइजर के तौर पर है अथॉरिटी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल इसकी प्रो नो मतलब कोई ऐसा अनफील या अव्यवस्था कोई बात नहीं है, प्रॉपरली सभी अरेंज किया हुआ है पहले से ही। अच्छा, एक जैसे कई बार देखते हैं ना कि पेपर ले लिया जाता है उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करने में देरी करते हैं, और जो स्टूडेंट होते हैं उनको वेट करना बहुत मुश्किल होता है, आपको पता होगा कि वेट जो करने की जो घड़ी होती है ना बहुत तो मुश्किल होती है, उसके अंदर टाइम पास करना मुश्किल होता है, तो उनके लिए जब आप रिजल्ट तैयार करोगे, रिजल्ट आज ही तैयार करोगे या फिर कब होगा? बिल्कुल रिजल्ट हमारी परीक्षा यही परीक्षा है, क्योंकि कुछ साथी बाहर से सराउंडिंग गाँव से आते हैं ना, तो उनको ज़्यादा नहीं 1 घंटे में ही हम रिजल्ट देते हैं, उसके लिए हम बच्चों के लिए वैसे तब तक वेट करें, इस सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होता है, और वहाँ पर कुछ हमने हमारे एल्डर्स जो बड़े हैं किसी फील्ड में विशेषज्ञ उनकी स्पीच भी तैयार करें, छोटे बच्चों के लिए आज तो भाषण प्रतियोगिता का भी हमने तैयारी करी है, इसलिए कोई बोरिंग नहीं होते वो, और वो बिल्कुल ही उनको एक्साइटमेंट आया रिजल्ट में क्या होगा, और हमारी टीम इतनी अच्छी सुफिशियंट प्रॉपरली तैयारी करी है कि भी 1 घंटे के अंदर अंदर हम रिजल्ट आज ही कर दे देंगे। अच्छा, 1 घंटे में, मैं आपको बता दूं 1 घंटे में रिजल्ट तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो 1 घंटा लगेगा उसमें स्टूडेंट्स को वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कल्चरल प्रोग्राम चलेगा, उसके अंदर स्पीच होगी, ये कह लो महानुभावों की स्पीच होगी या फिर बच्चों की भी स्पीच उन्होंने रखी है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। आइए एक मिनट, बढ़िया, यहाँ से एक बार और व्यवस्था देख लेते हैं, यहाँ से दिखाइए, बिल्कुल हाल भरा हुआ है, बिल्कुल खचाखच, सारे स्टूडेंट्स अपने परीक्षा दे रहे हैं आराम से। स्टूडेंट्स आर यू कंफर्टेबल? कैसा लग रहा है आपको परीक्षा देके? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चलो, कोई ना कोई आप में से ही टॉपर होगा। यस सर।
नमस्कार सर। वेरी नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप सुनाओ कैसे चल रही है? बच्चे परीक्षा आसानी से दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, कंफर्टेबल है? बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। और बच्चों को, क्योंकि हमारे 2-3 पहले हो चुके हैं इस तरह के प्रोग्राम, तो बच्चों को पहले से ही जानकारी है कि किस तरह से एग्जाम कंडक्ट करना है और किस तरह से क्या करना है। कोई चीटिंग वीटिंग तो नहीं? कोई पर्ची नहीं, कोई इस तरह की बच्चा कोई हरकत नहीं करता इनको। ये क्योंकि ये बच्चे का स्वयं का ये देखना है कि इनके कितनी नॉलेज है, तो इसके बच्चे हमसे ज़्यादा जागरूक हैं इस मामले में। कोई यहाँ पे नेपोटिज्म तो नहीं है? कोई भाई भतीजावाद जिसे कि किसी को कोई टीचर हेल्प करता हो, ऐसा कुछ नहीं? देखो ऐसा तो है कि सभी हमारे, क्योंकि आस पड़ोस के गांव से या घर से परिवार से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चे या तो पूछने की कोशिश भी करते हों या कुछ इस तरह का व्यवहार करते हो, कुछ नहीं है। अपने शांति से अपने आप एग्जाम दे रहे हैं और ये बड़ा अच्छा लगा इस तरह से। ओके थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके। यहाँ देखिए, ये आई थिंक यही ये सारे बच्चे हमने कवर कर लिए हैं ऑलमोस्ट। और भी चलो, एक रूम और है, वहाँ भी चलने की कोशिश करते हैं। चलिए भाई, ये एक और तहखाना बच गया था हमारा, इसके अंदर और देख लेते हैं बच्चों की क्या व्यवस्था है, कैसे परीक्षा दे रहे हैं। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, दिखाएं सभी बच्चों को। सभी बच्चे कंफर्टेबल हैं? आराम से हो? स्ट्रेस तो नहीं है? अच्छा, तैयारी अच्छी थी आपकी? चलिए बच्चे परीक्षा देने में मगन है, एक बार मैम से बात कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। कैसी चल रही है परीक्षा यहाँ पे? बढ़िया चल रही है सर, बिल्कुल अच्छी तरह है। अच्छा। व्यवस्था एकदम बढ़िया है, सभी बच्चे रिलैक्स होकर रहे हैं, उनको आता भी है, अच्छा है। और कितने बच्चे प्रेजेंट हैं और कितने एबसेंट आपके पास जो डेटा होता है उसमें से? 14 प्रेजेंट है सर, 14 एबसेंट है। अच्छा, 28 आपके पास 28 का रोल नंबर मेंशन किया गया था। अच्छा, तो यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ रखी हुई है या फिर कोई चीटिंग वगैरह हो रही है? नहीं सर, पूरी ट्रांसपेरेंसी है, कोई चीटिंग नहीं है, सभी अपने आप करें, देखो आप खुद देख सकते हो ये तो। हाँ, ये तो जैसे होता है ना, कई बार ऊपर से कोई आ जाए जब तो सारे बच्चे शरीफ ही बनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब इंटेलिजेंट हैं और आराम से कर रहे हैं। अच्छा, कितने बजे परीक्षाएँ ओवर हो जाएंगी? 11:15 सर। अच्छा, और कहीं ऐसा है कोई बच्चा आपसे पूछता हो कि मैडम तो नज़दीक की लगती हैं कि कुछ एक दो क्वेश्चन पूछ लें, हेल्प कर दें? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, चलो थैंक यू मैम। यू वेलकम सर। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बहुत अच्छा। सर क्या करते हैं आप? मैं BSF में असिस्टेंट कमांडेंट हूँ। वाह, आप यहीं पुर से बिलोंग करते हैं सर? हाँ, मैं पुर से बिलोंग करता हूँ। नमस्कार आप सभी को। एक बार मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि गांवपुर में BSF में असिस्टेंट कमांडेंट, सिर्फ इकलौते असिस्टेंट कमांडेंट हैं जो जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया है। सो चलिए इनसे एक दो बात कर लेते हैं। सर कैसा लग रहा है आपको यहां पे, एक फर्स्ट टाइम आए हैं या इससे पहले भी आप NGO में सेवाएँ दे चुके हैं? देखिए, एज ए फोर्स मेम्बर तो मैं NGO का जो है एक ऑफिशियली मेम्बर नहीं हो सकता, लेकिन मैं यहाँ पर अभी आज इन्होंने प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन किया है तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ इसमें। और तो आप आज क्या अपनी ड्यूटी दे रहे हैं या क्या सेवाएं दे रहे हैं सर? आज मैं जो है, मुझे पता लगा कि ये हर साल जो है NGO जो है प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन करते हैं, इसके अलावा भी और सारे जो ये है सोशल सर्विस के काम करते हैं, जैसे वो चाहे गांव में सार्वजनिक जगह की सफाई का काम हो, वृक्षारोपण का काम हो, या कोई भी जैसे फ्री मेडिकल कैंप लगाना हो, तो ये पूरा गांव में जो है और आसपास के गांव में भी जो है बहुत ही अच्छी सोशल सर्विस देते हैं, तो मैं भी इनसे जो है जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे आज जो है इन्होंने आज यहाँ पे आने का मतलब एक मौका दिया, इनविटेशन दिया, मुझे मौका मिला तो मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पे आया तो मैं। और पूरा NGO आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है कि आप एक छोटे से इनविटेशन पे आप यहाँ पर पहुँच गए। तो जैसे NGO के अंदर ना, मैंने एक चीज़ देखने में कॉमन लगी, यहाँ पर चाहे किसी की भी डेजिग्नेशन कुछ भी हो लेकिन रोल सभी का वही है कि सर्विस देना, तो ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी पहल है, मैं कहना चाहूँगा सभी को। सो और आप इस NGO के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताया कि NGO जो है ये एक गैर सरकारी संगठन होता है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है, पूरा का पूरा जो है ये एक समाज सेवा का कार्य होता है और निस्वार्थ भाव से होता है जी। तो मैं मतलब इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ और इनको हमेशा भविष्य की भी शुभकामनाएँ देता हूँ कि ये इसी तरह से गाँव में और आसपास के जो है समाज में समाज सेवा के कार्य करते रहें। ओके सर, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।
चलिए भाई, यहाँ पर एनजीओ में आने का हमारा भी जो मकसद था वो भी पूरा हो गया, बच्चे भी देख लिए और परीक्षा भी देख ली और मोटिवेशन भी दे दिया और मोटिवेशन ले भी लिया, और यहाँ पर जब इतने महान अनुभवों से मिले और बहुत अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी से मिले तो बहुत एक प्राउड फील हुआ। तो चलिए आगे जो अभी जो परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उस टाइम फिर से दोबारा से लाइव दिखाएंगे आपको, तब तक के लिए नमस्कार।